तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल ग्रेट. सो आई वेलकम यू टू माय चैनल विच इज मनवी इन द लव बर्ड्स. सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 12 और एज यू नो कि काजल दीदी है, उनकी शादी है, तो आज उनका जाएगा लगन. तो मैं तैयार होंगी और ये अभी तैयार हो रहे हैं और फिर हम निकलेंगे लगन लेके जाने के लिए. तो पहले हम बुआ के जाएंगे और फिर हम जाएंगे आगे. कहाँ जाना है? भिवानी जाना है हमें. तो फिर मिलते हैं हम आपको तैयार होके. वही हो चुकी है मैडम रेडी और ये इनका कुछ लुक है, ये देखिए. तो काफी सुंदर लग रही हैं. थैंक यू. तो मैं अब इनका लुक दिखाती हूँ मैं आपको. ये रहे ये स्माड़ी. आप भी अच्छे लग रहे हो, आप भी सुंदर लग रहे हो काफी. तो निकलते हैं अब, काफी लेट हो गए हैं. तो भाई निकल चुके हैं हम, गाड़ी में हैं और एक पंक्ति हो चुकी है हमारे साथ. हम जल्दबाजी में ना गाड़ी के डॉक्यूमेंट लाना भूल गए. तो अब जो गाड़ी है हम ड्राइव कर रहे हैं वो बिना डॉक्यूमेंट्स के ही है, बट फोन में ऐप है और फोटोज भी है मेरे पास, तो इतना कोई इशू नहीं है. तो चल जाएगा, बट जल्दबाजी में रह गए घर पर. तो अभी आ रहे हैं, फोन किया ही नहीं, तो बस फटाफट जा रहे हैं क्योंकि जो हमें जाना है आगे भिवानी एक्चुअली क्या है वो भी डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब 125-135 के अराउंड डिस्टेंस है. तो टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने भी और कह रहे हैं कि मुहूर्त वगैरह भी है, तो इस वजह से भी सारे जल्दी जल्दी कर रहे हैं. हमारे एक फूफा है ना, थोड़े से जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो हमेशा वो करो जल्दी जल्दी जल्दी, तो फोन उनके भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं. अगर वो एक घंटे में ना 50 बार फोन कर देंगे वो. चलो कोई नहीं, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो कोई नहीं, अपने आराम से स्पीड से चलेंगे. क्या करना, जल्दी पहुंच के भी कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए तो आराम से चलेंगे अपने नॉर्मल स्पीड पे. और फिर एरिया में कैसा लगता है कि हिमाचल साइड आ गए, सारा ग्रीन एरिया लगता है और रास्ते में छोटे ही होते हैं वहाँ पर, तो अच्छा लगता है. तो रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं. और ज्योति दीदी हमारी, ये लता दीदी है हमारी, ये हमारी ब्राइड टू बी ब्राइड, ये हाशु जी, ये हमारी बुआ ब्राइड्स मदर. चलते हैं. अश्वनी जीजू व्हाइट कुर्ता पजामा में पूरे के पूरे, ये हमारे बुआ देखो कितनी सेक्सी लग रही है. ये देखो आज हमारा लास्ट व्हाइट कुर्ता पजामा, इस बार हम आपको फोन करेंगे. ये दीनू भैया, ये हमारे रिया जी, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, एक हाथ में मेहंदी लगा के, मतलब बेइज्जती मार रही है. गाड़ी को किसकी गाड़ी में रखोगे? ये रहे हमारे स्मार्टी. इधर हाय हेलो तो कर दो. हेलो. बस हम निकल रहे हैं फटाफट सारे के सारे और लेट हो चुके हैं. तरुण फूफा गुस्सा करेंगे. चलते हैं, निकलते हैं. मैं बहू वाले रूप में आ चुकी हूँ, सर पे पल्ला रख के चलते हैं. से निकल चुके हैं और ये देखो कौन कौन बैठा हुआ है हमारे साथ. ये जिया जी, ये लता जी. भाई अब रास्ता भूल गए थे, मतलब रास्ता हमें गूगल ने अलग बताया और जो हमारे साथ दो गाड़ियां थी वो अलग जगह पहुंच गई, अलग रास्ते से पहुंच गई. तो फिर मैंने लोकेशन मंगाई जो सबसे आगे गाड़ी थी उनसे, फिर हमने बीच में से पहुंच के अभी भी सबसे आगे हम ही हैं. और हमें मिल गई हैं दोनों गाड़ियां हमारे पीछे चल रही हैं अब और हम आगे चल रहे हैं, मतलब इतना घूम फिर के भी मतलब हमें नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं इस रूट पे, तो हमें आइडिया भी नहीं है रास्ते का, बट चलो सही है, पजल नहीं हुए. ज्यादा घूमना नहीं पड़ा क्योंकि गूगल ना घुमा देता है कहीं कहीं से रास्तों से, फिर पता नहीं कहाँ ही निकलता वो जाके. आपने अगर याद हो रास्ता तो उसी से जाओ, नहीं तो गूगल से तो जाने का फायदा नहीं है. गूगल से तो जब भी फायदा है जब
आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं पता, तो हमें पता नहीं था, तो हमने लोकेशन डाल रखी थी बस नॉर्मल कि भाई पीछे पीछे चलते रहेंगे इनके। और लेकिन हमने फिर देखा कि भाई 30 किलोमीटर सीधा जाना है, तो फिर हमने भगा ली। तो अब आ रही है पीछे पीछे गाड़ियां, तो अभी भी है डिस्टेंस तो ज्यादा है। ये गए भैया ओवरटेक करते हुए, तो अभी भी है डिस्टेंस है। और भाई ने बहुत दिमाग लगाया है, और दोनों पीछे गाड़ी है और एक आगे है, एक आगे आ चुकी है, तो अभी है 20-25 किलोमीटर अभी भी है। तो रिया यू हैव टू वेट, रिया बेचारी परेशान हो गई है रिया। इधर लता बैठी हुई है, लता अभी परेशान हो गए क्या? तो चलो फटाफट पहुंच गए। डिस्टेंस ना बहुत ज्यादा था, 125-130 किलोमीटर या अराउंड था डिस्टेंस। तो गुड़गांव से था ये तो? हाँ गुड़गांव से तो 70 किलोमीटर ही नहीं सफर हुआ। कोई नहीं, अगर 70 किलोमीटर इनसे सफर नहीं हुआ, पता नहीं डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करती है। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग की बोलती है दोनों ये हम करेंगे, और जो जिसमें कि 5-6 घंटे लगते हैं फ्लाइट में भी, फ्लाइट भी डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचती, उसके बाद भी 2-3 घंटे हैं। जैसे गोवा वगैरह भी जाते हैं अगर, तो उसके बाद भी अगर अच्छी लोकेशन के लिए तो फिर होम ट्रेवल तो करना पड़ता ही है। हम पहुंच चुके हैं और ये है घर, तो अब देखते हैं अंदर कैसा अरेंजमेंट है। ये वीडियो बनाएंगे ज्यादातर, तो देखते हैं। तो भाई पहुंच गए हैं फाइनली हम, और इधर अब सारे जा रहे हैं जहाँ पर प्रोग्राम है, और इधर आगे जा रहे हैं दूल्हे राजा पगड़ी बांध के। तो भाई यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम, यहाँ सजावट है, ऊपर सूरज देवता भी कम हो रखे हैं। और क्या, सूर्य देवता पूरे चरम पे है, चरम पे देव जमा चरम पे हैं, लेकिन थोड़ी सी बादलों के अंदर समाये हुए हैं। साइड में हो रहे हो, चलो अंदर। हेलो फैमिली, ओ लव यू। गाड़ी आ गई है। हाँ गाड़ी दिखा दें, साइड से आते हैं जब ना। तो भाई यहाँ गाड़ी आ गई है जो हमारे फूफा जी की तरफ से दूल्हे राजा को गिफ्ट है, देख सकते हो बलिनो न्यू मॉडल में। यहाँ पर क्या कह रही हैं आप जिया? दो संभालना मुश्किल हो गया यार। तो भाई हम पहुँच चुके हैं, ये है बाशु, बाशु हमारा नहीं है, लता बैठी हुई है, ये बुआ बैठी हुई है, रिया बैठी हुई है, वो पीछे अनमोल बैठा हुआ है। तो देखते हैं, अभी तो आए हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कैसा क्या है, आगे आपको भी दिखाते हैं। तो भाई ये है हमारे जीजू साहब, जीजू भाई हाय कर दो। हाय जीजू है, तो अभी होंगे सारे रिचुअल्स जो भी हैं, तो दिखाते हैं आपको। कुछ कह रही थी आप, You were saying something. कैसा वर चाहिए आपको? फोटो शूट चल रही है जिया माई। हाँ झांसी की रानी। झांसी की रानी दो मिक्स कर दिया हमने। नहीं वही है, तुम क्यों कचरा मचा रहे हो? हमारे जीजा सा है, तो काली दीदी के वुड बी हस्बैंड। तो रिया कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर। कुछ और आपको जिया? तो भाई बहुत अच्छा लगा जीजू से बात करके, नेचर भी बहुत अच्छा लगा इनका। जिसको जो बोलना हो, जिसको जो पसंद हो सब बोलो, ठीक है? हमने पहले बात कर ली, चलो भाई इनकी तो बातचीत चलती रहेंगी, और आगे का प्रोग्राम भी दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पर हो रहा है लगन का प्रोग्राम,
देख सकते हो आप। तो भाई अब यहाँ पर फूफा जी दूल्हे राजा का तिलक करेंगे और जो भेंट लाए हैं वो उनको देंगे और जो जो मांगता होगी अब इसके बाद शुरू हो जाएंगी। जो जो अंगूठी पहनाएंगे, जिन जिन की इनकी फूफाओं की सबकी अंगूठी आई है और ये बारी बारी सब पहनाएंगे। अंकित भी पहनाएगा, जो दूल्हे का भाई है उसका छोटा भाई हनी भी पहनाएगा और बाकी सब जिन जिन की अंगूठी आई है बारी बारी सब पहनाएंगे। तो आप देखिए तो भाई अब दुल्हन का जो भाई है छोटा हनी वो अब दूल्हे को चैन पहनाएगा और इसके बाद धीरे धीरे जो भी रस्म होएगी वो होएगी। तो यहाँ पर भाई जो दुल्हन के चाचा का लड़का है वो भी भाई है वो अब दूल्हे को कड़ा पहना रहा है। तो भाई यहाँ पर जो दुल्हन के चाचा का लड़का है दूसरा वो अब दूल्हे को घड़ी पहना रहा है, देखिए पहना चुका है, पहना दिए। थोड़ी सी लूज है घड़ी क्योंकि एस्टिमेट पता नहीं था तो ऐसे ही ले आए थे घड़ी। तो भाई अब यहाँ पर से मांग तंग शुरू हो गई है, जो नाई का है नाई के पैसे बनते हैं और ये सारे देने शुरू हो गए हैं। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर फूफा जी और जो हैं इनके फूफा जी को रिंग पहना रहे हैं। तो जितने भी इनके फूफा जी हैं सबके लिए रिंग आई है तो अब ये इनको रिंग पहना रहे हैं।
तो भाई अब सामान पड़ा जाएगा क्या क्या आया था, तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या आया, बाकी देखते हैं पढ़ के सुनाएंगे जब माई पढ़ के सुनाता है, तो पास में चलते हैं थोड़ा और सुनते हैं क्या क्या सामान आया है। सबसे पहले जी एक साड़ी माता मंदिर है तुम्हारा, एक साड़ी है, एक जोड़ी पितरों के कपड़े हैं जी, नगद एक सोने की गिन्नी है जी, एक चांदी का रुपया जी, एक गाड़ी है जी बलेनो डेल्टा, दो अंगूठी लड़के की है, एक सोने की एक चांदी की, एक चैन सोने की लड़के की, एक ब्रेसलेट सोने का, एक चांदी का गिलास, एक हाथ की घड़ी है लड़के की, एक लड़के के पिताजी की सोने की अंगूठी, एक लड़के के चाचा की सोने की अंगूठी, एक ताऊ जी की सोने की अंगूठी, पांच फूफा जी सबकी एक सोने की अंगूठी, एक एक है सबकी, पांचों फूफा की। हाँ, लड़का के जीजा जी की सोने की अंगूठी, लड़के के भाई की सोने की अंगूठी, एक भीम सिंह चाहे बिचौलिया सब लोग बिचौल सोने की अंगूठी, लड़के की माता जी की पांच चीजें हैं जी, तीन सोने की दो चांदी की, एक सोने की अंगूठी है, कानों के टोबस, एक नाक की बाड़ी, एक जोड़ी पाजेब, दो जोड़ी चुटकी, एक बड़ी नंद की है जी सोने की अंगूठी, दोनों छोटी नंदों के कानों के टोप्स सोने के, पांचों भुआ जी है जी इनकी चांदी की, एक एक जोड़ी पाजेब पांचों भुआ की, लड़के की ताई जी की एक जोड़ी पाजेब, लड़की की चीजें जो हमारी काजल की वो एक गले का सेट है सोने का जी, एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी कानों के सोने के टॉप्स, दो जोड़ी चांदी की पायल, एक नाक की सोने की नथ। एक सोने की हाथों के कंगन है जी एक जोड़ी, एक नाक की सोने की बाड़ी है जी, छह जोड़ी चुटकी, एक हाथ की घड़ी, 11 साड़ी है लड़की की जी, लड़के के पांचों कपड़े हैं जी, कोट पैंट पैंट से सारी, पांचों कपड़े लड़के पिताजी के, पांचों कपड़े लड़के के चाचा जी के, पांच कपड़े लड़के के जीजा जी के, पांच कपड़े लड़के के ताऊ जी के, पांचों फूफा है उनके, एक एक जोड़ी सुपारी सूट है जी, लड़के के भाई के एक जोड़ी रेडीमेड कपड़े हैं जी, लड़के की माता जी के एक पीढ़िया एक साड़ी है जी, ननद की एक साड़ी, एक छोटी ननदों की एक एक सूट है जी, पांचों भुआ की एक एक साड़ी है जी, लड़के की ताई जी की साड़ी है जी, एक पैंट शर्ट पंडित जी का है, एक साड़ी पंडितानी की है जी, 31 साड़ी एज की, 31 पैंट शर्ट, 7 बिस्तर ठंडे गर्म है जी, 11 थाल पोस, एक लैंप, 7 गमले, एक दीवार घड़ी, एक डिनर सेट, एक टी सेट, 6 कुशन तकिए बोल रहे जिन्हें, 3 सीनरी, एक ट्राली बैग, 151 बर्तन है जी, एक ऐसी है जी पैनासोनिक का 6 टन का स्पिल्ट, एक एलईडी 43 इंची, एक फ्रिज ट्रिपल डोर, एक वॉशिंग मशीन फुल ऑटोमेटिक, एक मिक्सर जूसर, एक आरओ, एक गैस चूल्हा, एक सिलाई मशीन, एक प्रेस, एक थर्मस, इडली बनाने की मशीन है जी, टोस्ट बनाने की मशीन, एक डबल बेड, एक सोफा सेट, एक अलमारी ट्रिपल डोर, एक डाइनिंग टेबल, एक ड्रेसिंग टेबल, एक बड़ा संदूक, ये मिठाइयाँ जी मेवा है, कुछ फल फ्रूट आप सबको खाने की खुली छूट। तो भाई अब जो रिश्तेदार हैं उनकी जो मांग तांग है वो हो रही है, ये लड़के के ताऊ जी हैं, तो अब इनको शायद अंगूठी वगैरह पहनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये अंगूठी पहना रहे हैं। तो भाई यहाँ पर अब लगन पड़ा जा रहा है, तो सुनते हैं।
फूफा आ रहे हैं सारे खड़े हैं और यहाँ मजाक मस्ती हो रही है थोड़ी। हम यूँ बोल रहे हैं भाई भाई ये रात भोग हमारी तरफ देखने लग रही है। ये बोल रही है भाई अब सबर नहीं हो रहा मुझे खाओ जल्दी आओ जल्दी। तो हम बगल वाले को कह रहे भाई तू भी थोड़ा सबर कर तेरा भी नंबर आएगा 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 इसका भी नंबर आएगा उस पकौड़े के पास जाने के लिए। वो नहीं एक आधा बस ज्यादा नहीं बस ये दोनों है ये दोनों थोड़ा सा इसलिए इसलिए बस मीठा ही खाएंगे। बताओ भाई ईमानदारी से बताइए कैसा ज्यादा है आपका ज्यादा फौजियों को हम सलूट करते हैं। तो हवा खींच के हां सांस रोक रखी है ये ना हो रहा है दिल्ली हो गया अभी देखेंगे पेटू का कंपटीशन चला हुआ है यहां किसका भारी है अभी फीता लेके माफ करते हैं इनका। हां फीता फीता लाना पड़ेगा फिर पता चलेगा एग्जैक्ट।
तो भाई यहाँ पर हमारे साहब रिश्तेदार और बाकी ये सारी इनकी सालियाँ और इधर भाभी बुआ, तो भाई सारे यहाँ पर है। भाई अब जा रहे हैं पूरी मंडली को लेके, लेडीज मंडली को लेके, ये देखो हमारी दुल्हन को, तो भाई सबको लेके जा रहे हैं खाने के लिए और चलते हैं और खाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं निकलते हैं फिर, क्योंकि फिर पहुँचते पहुँचते भी रात हो जाएगी तो 130 किलोमीटर ज़्यादा दूर हो जाता है वैसे तो निकलते हैं हम। इधर भी देख सकते हो आप, हेलो, ये हमारा ब्रो है सोन, क्या मोनी, मोनी ब्रो, तो मिलते हैं आपको। अकेले खा रहे ना, मुझे कर रहे बुला रहे ले ले, गाइड ने भी देख लिया। फाइनली अब खा पी के और डांस करके निकल गए हैं यहाँ से, मतलब निकल रहे हैं अभी, सारे मिलते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं उसके बाद अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के निकलते हैं, तो मिलते हैं आपको। अच्छा, देखता हूँ मेरे, अच्छा अरेंजमेंट था, मजा आया। हाँ काफी अच्छा अरेंजमेंट था, काफी ज्यादा मजा आया, खाना मतलब NCR में ही कहते हैं सबसे बढ़िया खाना मिलता है, लेकिन भाई यहाँ आके ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर आए हुए हैं, गाँव में आए हुए हैं, तो भाई यहाँ इतना मजा आया, तो बहुत मजा आया। भाई ये दूल्हे का घर है और देखो क्या डेकोरेशन हो रखी है, क्या बढ़िया, और काफी बड़ा घर है भाई, गांव के हिसाब से तो भाई बहुत, गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया घर में पैसे लगा रखे हैं दूल्हे ने, तो हमने ऐसी थोड़ी कराया रिश्ता पक्का, घर वर परिवार देख के, लड़का देख के, बढ़िया गवर्नमेंट फौजी आदमी से करवाई है शादी, वो काफी अच्छा सजा था घर। ले लो जीजू, ले लो।
भाई ये बना गया। क्या हो गया? पेपराजी इसकी तरह है, नो फोटो है। यार जी आपने प्रॉमिस किया था, करते हैं। आपने कुछ प्रॉमिस किया था? हाँ सॉरी, ठीक है साहब, मिलाना। चलो ठीक है जीजू, ठीक है। अरे नहीं कोई नहीं, कोई बात ठीक है। तो भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं, सबसे विदा ले लिया है। चलो ठीक है, वो वहाँ मिलते हैं, मैं चाना मिलते हैं। जीजू को बाय तो करने दो यार। चलो चलते हैं, ठीक है जीजू, बाय बाय। चलो एक सेल्फी हो जाए। हाँ बाय बाय, परसों मिलते हैं। क्या चल रहा है मिस्टर? कुछ नहीं, बस इधर क्या चल रहा है पीछे? यहाँ पर सर दर्द हो रहा है गाइस। रिया क्या हुआ? कब पहुँचेंगे घर? थक गए क्या? भाई बहुत देर से चल रहे हैं और घर ही मंजिल आगे की सकती है। अरे चलते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कितनी देर से चले हुए हैं। फूफा के पीछे लगाई हुई है गाड़ी। तो भाई पहुंच गए हैं हम मैचाना फिलहाल, और सारी जो लड़कियां मेरे साथ थी वो उनको छोड़ दिया है मैंने, और अब थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं। जैसे ही सारे आ जाते हैं तो फिर देखते हैं इकट्ठे निकलेंगे। तो भाई वेट करते हैं सबके आने का, इतने चाय पानी थोड़ा पी लेते हैं, थके हुए हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। चलो ठीक है, मोनी जी बाय। ठीक है बुआ, ठीक है बुआ, ठीक है बाय बाय, ठीक है बाय। अरे ठीक है दीदी, चलो दीदी। यस हाँ जा रहे हैं, बाय बाय। तो बाय तो करते बाय। वही अब लेते हैं यहाँ से विदा। रूपा जी ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, बाय बाय। ठीक है भाई, तू रुक रहा है? ठीक है साहब, तो भाई निकलते हैं अब यहाँ से और मिलते हैं आपको घर पहुँच के। तो भैया हम पहुंच चुके हैं घर और टाइम हो गया है करेक्ट 12, तो लेट हो गए काफ़ी आते आते। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग हमें जान सकें और हमारी वीडियोस को देख सकें। फैला दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे आगे आप देखो, कल भी जाएंगे फंक्शन में और परसों भी जाएंगे, तो वीडियोज़ मिलती रहेगी आपको, तो देखना ज़रूर। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।